क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे बोला फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197, .37। कह रहा है कि इस एपी का मिडिल टर्म क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एपी दे रखा है 213, 205, ये घट रहा है पीछे की ओर। इसी तरीके से इसका जो लास्ट टर्म दे रखा है वो दे रखा है 37। तो यहाँ पे पहले सब नोट करिए आप, ए का वैल्यू कितना 213, डी का वैल्यू बताइए तो A2 - A1, तो ये हो जाएगा 205 - 213, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। और जो लास्ट टर्म है इसको आप an बोलिएगा तो ये हो जाएगा 37। हमसे बोला है इसका मिडिल टर्म बताओ, मिडिल टर्म कौन सा होगा, यानी बीच में कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि n का वैल्यू निकालिए, उसके बाद हम मिडिल टर्म निकालेंगे। तो n का वैल्यू निकालिए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो an का वैल्यू 37 और a की जगह 213 और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन और d की जगह -8। इस तरीके से अब यहाँ पे 213 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, 37 माइनस 213 तो कितना आ जाएगा, घटा के बताइए तो यहाँ पे आ जाएगा -176। इसको हम माइनस कर लेंगे इधर ला के, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन और इंटू -8। देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटू में है ना -8 इधर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 से ये कट भी जाएगा। कितना बार में कटेगा, 22 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 22। तो यहाँ से बताइए n का वैल्यू कितना 23। और 23 क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है तो भी चीज ऑड। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जैसे ही n का वैल्यू ऑड आएगा, हालांकि n का वैल्यू इवन भी आएगा बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे में ऑड आएगा, तो जब ऑड आएगा तब मिडिल टर्म क्या होगा और इवन आएगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑड आया है तो यहाँ पे हो जाएगा मिडिल टर्म। एक फार्मूला होता है वो भी बहुत आसान सा, इसको आप याद रखिएगा, और कैसे याद रखते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो आप पढ़ ही रखे हैं, सिर्फ यहाँ पे नीचे में दो लगा देना है, ठीक है। तो यही हो जाएगा मिडिल टर्म का, कब, जब n का वैल्यू ऑड आएगा तब, जब n का वैल्यू इवन आ जाएगा, जैसे इवन नंबर 24 आ जाता या 12 आ जाता या फिर 20 आ जाता, इस तरीके का इवन नंबर, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। ये सिर्फ ऑड के लिए, जब n का वैल्यू ऑड आएगा यानी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला यही होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या रखना है कि जैसे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो आप पहले से पढ़ ही चुके हैं, खाली यहाँ पे नीचे में क्या करना है, दो लगा देना। और कैसे याद रखेंगे वो हम आपको अगला क्वेश्चन में बताएंगे, जब वहाँ पे n का वैल्यू इवन आएगा तो वहाँ पे आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप याद रखिएगा कि जब n का वैल्यू ऑड आता है तो मिडिल टर्म इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो a का वैल्यू है 213 प्लस, अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू है 23, तो 23 यहाँ पे रखिएगा तो 23 माइनस वन कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम 22 कर दे रहे हैं, कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना, n का जगह 23 रखेगा तो 23 माइनस वन 22, और इंटू डी का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देखिए माइनस 8 है तो डी की जगह माइनस 8 हो जाएगा और नीचे में 2, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इसको काट दीजिए 4 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 213 और प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पे 22 इंटू 4 88। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो इसको माइनस करिए तो यह आ जाएगा 125, यानी इस एपी का जो 125 आएगा वही इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। यहाँ पे आंसर को सुधारिए, 31 का जो आंसर है वो 41 में दे रखा, तो 41 को काट के आप कर लीजिएगा 31। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी, इतना कह रहा है कि इस एपी के दो मिडिल टर्म का सम बताइए, यानी इस एपी का कितना मिडिल टर्म होगा, दो मिडिल टर्म, और दोनों मिडिल टर्म का हमसे सम पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप नोट करिए, ए का वैल्यू कितना -4/3 और डी का वैल्यू बताइए, तो डी इक्वल टू होता है A2 - A1, तो यहाँ पे A2 कितना है -1 माइनस, और A1 देखिए -4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस ना +4/3, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहाँ पे -3 + 4, तो यहाँ पे घटाइए तो 1/3, यानी जो डी का वैल्यू आएगा कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा 1/3, और जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा an, तो an दे रखा है 4 होल 1/3, यानी इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा
थर्टीन बाई थ्री इस तरीके से। इसके बाद देखिए मिडिल टर्म निकालने से पहले सबसे पहले आपको एन निकालना होगा, एन का वैल्यू कि इसमें कुल कितना नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एन निकालिए, तो एन कैसे निकालिएगा, एन का फॉर्मूला लगाइए, तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। यहाँ पे एन की जगह पुट करिए 13/3, और ए का वैल्यू कितना, -4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3 प्लस एन माइनस वन और डी, तो डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/3 आया, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे -4/3 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3, और यहाँ पे एन माइनस वन इंटू 1/3। देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो 13 + 4 ये हो जाएगा 17, और नीचे 3 है तो 3 आप एलसीएम में लीजिएगा तब भी यही चीज़ आएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन और इंटू 1/3, ये कट जाएगा 3 से 3, तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया 17, तो एन इक्वल टू आ जाएगा 18। तो एन का वैल्यू आया 18, और बताइए ये कौन नंबर है, इवेन नंबर है ना, तो ये हो जाएगा भी चीज इवेन। अब आप याद करें क्वेश्चन नंबर 31 को, जब आप उसमें एन का वैल्यू निकाले थे तो एन का वैल्यू ये आया था ऑड, और यहाँ पे आया है इवेन। अब आप मिडिल टर्म को समझने का प्रयास करिए कि मिडिल टर्म निकलता कैसे है। यहाँ पे दो केस आएगा, केस वन और केस टू। केस वन में क्या होगा, जब एन का वैल्यू ऑड आएगा, और एक केस में होगा जब एन का वैल्यू इवेन आएगा। यही दो केस आएगा, एन का वैल्यू निकलेगा तो या तो वो ऑड रहेगा या तो वो इवेन रहेगा। तो देखिए जब ऑड रहेगा तो एक मिडिल टर्म निकलेगा, और जब एन का वैल्यू इवेन रहता है तब यहाँ पे दो मिडिल टर्म निकलता है। अब यहाँ पे दो क्यों निकलता है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि इसको हम याद कैसे रखते हैं, ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब एन का वैल्यू ऑड है तो यहाँ पर मिडिल टर्म इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू, और यहाँ पे जब इवेन है तब क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी अपॉन टू, और एक होता है a प्लस एन माइनस जीरो इंटू डी अपॉन टू। यहाँ पे आप देखिए तीनों फॉर्मूला को ध्यान से, तो सब में सेम आपको दिख रहा होगा, सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे माइनस टू है, और यहाँ पे माइनस जीरो है। यही तीन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, और यहाँ पे माइनस जीरो, बाकी सब में सेम, ए इसमें भी ए, डी तो इसमें भी डी, और बाय टू तो इसमें भी बाय टू। बस यही डिफरेंस है कि एक में माइनस वन है, एक में माइनस टू है, और एक में माइनस जीरो है। तो देखिए जब एन ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर रहेगा तो वन भी क्या है, ऑड नंबर है। अरे आपको बात समझ में है, बात को समझिए, जब एन ऑड नंबर है तो यहाँ पे भी जो नंबर वन रहेगा माइनस में वो ऑड नंबर ही रहेगा। अब ऑड नंबर का मतलब 3, 7 ये सब नहीं, ऑड नंबर का मतलब वन ही रहेगा, वन भी क्या है, ऑड नंबर ही है। जब यहाँ पे एन इवेन है तो यहाँ पे भी जो माइनस में रहेगा वो इवेन नंबर ही रहेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस टू और यहाँ पे माइनस जीरो, और दोनों क्या है, इवेन नंबर है, टू भी इवेन नंबर है, जीरो भी इवेन नंबर है। तो यही मतलब इसी तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है कि जब एन का वैल्यू ऑड आएगा तो यहाँ पे जो माइनस होगा वो ऑड नंबर होगा, डेट मीन्स माइनस वन, और जब एन का वैल्यू इवेन आएगा तो यहाँ पे जो माइनस होगा वो इवेन नंबर होगा, डेट मीन्स या तो माइनस टू या तो माइनस जीरो। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बुक वगैरह में आप देखिएगा तो इसको लिखेगा ए प्लस एन माइनस जीरो का मतलब कितना, एन ना, तो एन बाई टू इंटू डी, इस तरीके से ये लिखता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे माइनस जीरो किए हैं, बुक वगैरह में यही फॉर्मूला लिखेगा डायरेक्ट, यहाँ पे माइनस जीरो वगैरह नहीं लिखेगा, यहाँ पे सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि एन माइनस जीरो कर लीजिएगा तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखने के लिए कि अगर एन का वैल्यू इवेन है तो यहाँ पे या तो माइनस टू रहेगा या तो माइनस जीरो रहेगा, डेट मीन्स इवेन नंबर, और जब एन का वैल्यू ऑड है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस वन रहेगा, यानी ऑड नंबर। अब आप समझिए कि यहाँ पे एक ही मिडिल नंबर क्यों निकला और यहाँ पे दो मिडिल टर्म क्यों निकला, इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या था, ऑड था ना, ऑड था। जैसे हम एक एपी ले लेते हैं जिसका टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या एक एपी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताइए कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है ना, तो एन इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 टर्म। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो आप कैसे निकालिएगा, इन्हें से दो को हटा लीजिए, इन्हें से दो को हटा लीजिए, तो यहाँ पे बीच में बचा कौन, 3 ही ना, तो हमेशा मिडिल टर्म इसका 3 आएगा। तो कहने का मतलब जब नंबर ऑफ टर्म, जैसे एन का वैल्यू यहाँ पे क्या था, आउट था,
तो एक मिडिल टर्म आ रहा, आप किसी पे भी लेके चेक कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो यहाँ पे बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, 1, 7, 7, जो कि क्या एक आउट नंबर है, तो यहाँ पे भी मिडिल टर्म जो आएगा वो एक ही आएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे निकालिए मिडिल टर्म, कैसे निकालिएगा, तो दो गो एने से हटाइए, दो गो इधर से हटाइए, अभी तीन गो बच रहा है, तो एक इधर से हटाइए और एक इधर से हटाइए, तो यहाँ पे देखिए बीच में कौन बच गया, 8 बच गया। यानी जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म आउट हो तो मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलेगा। अब देखिए जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन रहे, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, तो यहाँ बताइए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, के टर्म है, 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि क्या है इवन है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर इधर से दो को हटा दीजिएगा और इधर से भी दो को हटा दीजिएगा तो बचेगा कौन बीच में, कोई नहीं ना बचेगा, तो एक इधर से हटाइए और एक इधर से हटाइए, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा दो नंबर, 2 और 3, तो यही हो जाएगा मिडिल टर्म। अब देखिए अगर आप ज़्यादा दिमाग इसमें लगा लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4 था, यही था ना, जैसे हम लोग जब ये मीन वगैरह में पढ़े हैं 9th क्लास में, या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे देखो वहाँ पे मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या किया जाता था, कि जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बीच में दो को ले लिए ना, जैसे एक इधर से हटाइएगा और एक इधर से हटाइएगा, तो यहाँ पे बीच में दो को बच गया, तो मिडिल टर्म वहाँ पे कैसे निकलता था, कि मिडिल टर्म इक्वल टू हो जाता था 2 + 3, जो बीच में बचा है 2 + 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाता है 2.5। और ये बिल्कुल सही है कि दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक नंबर 2.5 होगा कि नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 तो होगा ही होगा, जो कि उसके बीचों बीच में ही है, तो बिल्कुल ये सही है, मिडिल टर्म यहाँ पे 2.5 हो गए होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप n का वैल्यू निकालते हैं एपी में, तो जो n का वैल्यू आता है वो नेचुरल नंबर होता है ना, ये थोड़े कि आप डेसिमल वाला नंबर ले लीजिएगा, n का जो वैल्यू होता है वो नेचुरल नंबर होता है ना, तो इस तरीके से तो आप मिडिल टर्म ये पॉइंट में ले आए, तो ये थोड़े यहाँ पे वैलिड होगा, पॉइंट वाला थोड़े वैलिड होगा, n का वैल्यू नेचुरल नंबर होता है तो आपको नेचुरल नंबर ही लेना है। इसी वजह से एक इधर से हटा, एक इधर से हटा, तो यहाँ पे दो बच गया, तो यहाँ पे मिडिल टर्म दो को हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म बताइए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि क्या है एक इवन टर्म है, मतलब इवन है, तो जब इवन है तो यहाँ पे भी दो गो आएगा, जैसे दो गो इधर से हटा लीजिए और दो गो इधर से हटा लीजिए, बचा कौन बीच में, दो गो, तो यही दोनों हो जाएगा मिडिल टर्म 6 और 8। तो यहाँ पे आप देखे थे कि जब n का वैल्यू इवन है, इसी कारण इसका मिडिल टर्म का दो फार्मूला था, एक n माइनस 2 था और एक n माइनस 0 था, और जब n का वैल्यू ऑड रहेगा तो एक ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में n का वैल्यू आया था 18, जो कि क्या है इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी इसका दो मिडिल टर्म निकलेगा, तो यहाँ पे लिखिए मिडिल टर्म इक्वल टू हो जाएगा, पहला फार्मूला क्या बताए थे, a प्लस एक हो जाता है n माइनस 2 इंटू डी अपॉन 2, और सेकेंड फार्मूला भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस, ये बताए थे n माइनस 0 ना, n माइनस 0 अपॉन डी बाई 2, हमेशा रखेगा एक आएगा n माइनस 2 और एक आएगा n माइनस 0, बाकी तो सब सेम ही है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू है -4/3 और d का वैल्यू है 1/3, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a का वैल्यू है -4/3 और d का वैल्यू है 1/3, ये दोनों पुट करना है, तो यहाँ देखिए पुट करिए, तो a की जगह -4/3 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा n, n का वैल्यू कितना 18 ना, तो 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हो गया 16 इंटू 1/3 और नीचे में 2, ऐसे ही होगा ना। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/3 प्लस, ये 3 क्या होगा नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 अपॉन, और जैसे ही 3 नीचे आएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 6। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, जो बताइए पहले, जैसे आप पढ़े हैं ना इस तरीके से, जैसे 2/3 और नीचे में रहेगा 4, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट 3 को नीचे ले आइए, डायरेक्ट 3 को नीचे अगर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2/12, 3 नीचे आएगा तो 4 × 3 = 12 हो जाइएगा। और अगर आप 3 को नीचे नहीं लाइएगा तो देखिए क्या करना होगा, जैसे 4 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 तो ही है ना, तो ऊपर में था 2/3, ये डिवाइड है, तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा, इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलें तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 1 चला जाएगा ऊपर और जो ऊपर में 4 था ये चला आएगा नीचे, तब भी आएगा 2 अपॉन 2/12।
तो आपको यही वाला केस याद रखना डायरेक्ट, जैसे ऊपर में फ्रैक्शन में नंबर रहेगा, अगर नोमिनेटर में आपको फ्रैक्शन में नंबर दिखे और नीचे में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है तो इसको डायरेक्ट नीचे ले आइए। यहाँ पे भी वही काम किए, ऊपर में था 16/3 और नीचे में था 2, तो 3 को डायरेक्ट हम नीचे ले आए। ये सब तो आपको समझ आता होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 + 16, यहाँ पे घटा लीजिए तो यह आ जाएगा 8/6, काटिएगा तो यह आ जाएगा 4/3 इस तरीके से। इसके बाद एक और मिडिल टर्म है तो इसको भी निकाल लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू -4/3 और प्लस 18 है ना इनका वैल्यू, तो 18 - 0 तो 18 ही रहेगा और इनटू डी के जगह 1/3 और नीचे में 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा -4/3 प्लस, ये तो कट जाएगा ना 6 बार में, ये तो कट रहा है तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 6 और नीचे में 2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहाँ पे होगा -4 और यहाँ पे कितना होगा, सॉरी एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 8 और यहाँ पे हो जाएगा 18, तो यहाँ पे घटाइए इसको तो यह आ जाएगा 10/6, 18 में से 8 घटेगा तो 10 आएगा, 10/6 इसको काटिएगा तो यह आ जाएगा 5/3। तो एक मिडिल टर्म आएगा 4/3 और एक मिडिल टर्म आएगा 5/3। और देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमसे बोला था फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म, दोनों मिडिल टर्म का सम बताइए, तो सम हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे देखिए सम निकाल लेते हैं। तो पहला मिडिल टर्म था 4/3 और सेकेंड था 5/3, दोनों को ऐड कर देना, तो ऐड करिए, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड करिए तो 5 + 4 = 9, तो हो जाएगा 9/3, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 3, यानी दोनों मिडिल टर्म का जो सम आएगा वो आ जाएगा 3। यहाँ पे आंसर को आप सुधारिएगा, 32 का जो आंसर है वो 42 में दे रखा है, तो इस 42 को काट के यहाँ पे कर लीजिए 32। 33 यहाँ पे बोल रहा है इफ एम प्लस वन टर्म ऑफ एन ए पी इज टू बी द एन प्लस वन टर्म, तो बोल रहा कि एक ए पी का जो एम प्लस वन टर्म है वो 2 गुना है एन प्लस वन टर्म के, तो कह रहा कि प्रूव दैट 3m + 1 टर्म इज टू बी द m + n + 1 टर्म, तो कह रहा है कि एक एपी का जो 3m + 1 टर्म होगा वो इक्वल होगा 2 गुना ऑफ m + n + 1 टर्म, यानी इसके 2 गुना के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे आपको m + 1 देख के घबराना नहीं है, जैसे एक एपी का nth टर्म रहता था तो उसको an लिखते थे, जैसे एपी का अगर nth टर्म रहता था तो इसको आप कैसे लिखते थे an, तो उसी प्रकार यहाँ पे n की जगह क्या दे रखा है m + 1 दे रखा है, तो आप क्या करिएगा ना कि जो n रहता था इसके जगह m + 1, मतलब यही काम आपको करना है, इसको देख के आपको डर मत जाना कि ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे m + 1 टर्म है तो इसको हम क्या लिखेंगे am + 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला था कि एक ए पी का जो m + 1 टर्म है वो इज बोला ना, तो इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला टू इज द n + 1 टर्म, तो टू इज का मतलब 2 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × और किसका 2 गुना n + 1 टर्म के, तो यहाँ पे हो जाएगा an + 1। कैसे यार आपको आ रहा है समझ में, यहाँ पे बोला कि एक एपी का जो m+1 टर्म है वो 2 गुना है n+1 टर्म का, तो एपी के m+1 टर्म को हम लिख दिए am+1, इसके बाद था इज, तो इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला टू इज द n+1 टर्म, तो टू इज द n+1 टर्म का मतलब जो an+1 है इसका 2 गुना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ये कैसे है आपको आ रहा समझ में, इसके बाद देखिएगा तो हमसे बोला प्रूव डैट, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रूफ डेट में बोला कि 3m+1 टर्म, तो इसको कैसे लिखिएगा a 3m+1, ऐसा ही ना। इसके बाद है इज, तो इज का मतलब इक्वल टू, हमेशा याद रखना आपको इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला टू इज द m + n+1 टर्म, तो इसका 2 गुना, तो इसमें हो जाएगा 2 × am + n+1 टर्म, यही ना आपको प्रूव करना है, तो इसी को आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा a 3m+1 और यहाँ पे 2 × am + n+1, यही आपको प्रूव करना है। पहले ये इतना चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, जो दे रखा था और जो लाना था कैसे कैसे लिखा गया है। इसके बाद देखिएगा जो चीज दे रखा है उसी से आपको चलना है, जैसे आप पढ़ चुके हैं ना an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, यही होता है ना a + n - 1 × d, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म लिखा था ना एक माइनस करके, यहाँ पे जैसे n था तो n में एक माइनस करके लिखाया,
एन में एक माइनस करेगा तो एन माइनस डी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा था ए प्लस ए एम प्लस वन इक्वल टू टू इन टू ए एन प्लस वन, तो इसी से आपको पहले चलना है। तो यहाँ पे बताइए इसका जगह पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस, इसको एक माइनस करके लिखना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एम प्लस वन माइनस वन इन टू डी। और इतना नहीं आता समझ में, तो आप क्या करिए ना कि एन के जगह जैसे यहाँ पे एन है तो एन के जगह आपको पुट कर देना है एम प्लस वन, तो एन के जगह एम प्लस वन पुट करिएगा तो यही होगा ना, एन के जगह एम प्लस वन और पहले से था माइनस वन, तो ये चीज़ आ गया। लेकिन आपको समझ आना चाहिए ये चीज़, जैसे ए ए फोर को आप क्या लिखते हैं, ए प्लस थ्री डी लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, ए फोर को क्या लिखते हैं ए प्लस थ्री डी, फोर में एक माइनस करके, तो वहीं से ये चीज़ आप समझिए। जैसे यहाँ पे m प्लस वन है तो m प्लस वन में एक माइनस करेगा तो क्या होगा, m प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। जैसे फोर में एक माइनस करेगा तो इसको फोर माइनस वन आप लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। उसी प्रकार m प्लस वन में एक माइनस करेगा तो m प्लस वन माइनस वन हो जाएगा इंटू डी, और इस तरफ हो जाएगा टू इंटू ए प्लस, और यहाँ पे n प्लस वन है ना तो ये हो जाएगा n प्लस वन और माइनस वन इंटू डी, यानी इस टर्म में भी एक माइनस करना होगा, तो ये टर्म था एन प्लस वन, इसमें एक माइनस करेगा तो माइनस वन आ जाएगा इंटू डी। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस वन से वन तो कट जाएगा, और यहाँ पे वन से कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस एम डी, और यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू ए प्लस एन डी, एन में डी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एन डी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एम डी, और इस तरफ हो जाएगा टू ए प्लस टू एन डी, ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा, तो यहाँ पे इसको इधर लाइए, एन डी वाला को इधर लेके आइए और ए वाला को उधर लेके चल जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा एम डी, ये तो पहले से था, और एन डी वाला को इधर लाइए तो माइनस टू एन डी हो जाएगा, और ए वाला को इधर लाइए तो पहले से टू ए, और ए आके माइनस होगा तो कितना बचेगा, टू ए माइनस ए बचेगा ना, तो यही चीज़ आपका बचेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन अपन, कैसे है आपको आ रहा है समझ में, ए को इधर ला के माइनस कर लें तो टू ए माइनस ए तो ए हो गया, और टू एन डी को इधर लेके चलें तो एम डी पहले से था ये इधर आएगा तो माइनस टू एन डी हो जाएगा, तो आ गया। अब जो आपको प्रूव करना है इसको देखिएगा, यहाँ पे जो प्रूव करना है इसको लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, यहाँ पे हमको प्रूव करना था ए थ्री एम प्लस वन इक्वल टू टू इन टू ए एम प्लस एन प्लस वन, यही आपको लाना था ना। अब देखिए प्रूव करने का तीन तरीका होता है, या तो आप LHS से चलिए और RHS को ले आइए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप LHS से चलिए RHS को ले आइए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप RHS से चलिए और LHS को ले आइए। अरे बस समझ में, या तो आप LHS से चलिए RHS को ले आइए, या RHS से चलिए LHS को ले आइए, और तीसरा तरीका क्या है कि दोनों तरफ से चलिए और दोनों को इक्वल ले आइए, दैट मीन्स LHS इक्वल RHS, तो यहाँ पे हम तीसरा तरीका का ही यूज करेंगे, हम दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों को इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसको तोड़िए पहले, इसको कैसे लिखेगा, ए प्लस, और यहाँ पे जो भी नंबर है उसको एक कर्म करके लिखना है, तो ये हो जाएगा थ्री एम प्लस वन और माइनस वन, इसमें एक कम करेगा तो माइनस वन, और इन टू डी, इस तरफ वही काम करिए, ये हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे जो है उसमें एक कम करके लिखना, तो पहले इसको लिख दीजिए तो m प्लस एन प्लस वन, और इसमें एक माइनस कर लीजिए इन टू डी। आ रहा बात समझ में, और अगर नहीं आ रहा समझ में तो n का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो n के जगह आपको एक बार थ्री एम प्लस वन पुट कर देना है, और फिर n के जगह एक बार आपको m प्लस एन प्लस वन पुट कर देना है, यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो इसको आप पहले ध्यान से सोल्व करिए, स्टार्टिंग टाइम है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, बट आप ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा वन से वन कटेगा, यहाँ भी वन से वन कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस थ्री एम डी, और इस तरफ टू, और अंदर में बचेगा ए प्लस ए, यहाँ पे डी से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा एम और एन में, तो एम डी और प्लस एन डी, ऐसा ही ना, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू इक्वेशन वन में आप निकाले थे ना, तो ए का वैल्यू इसमें पुट करिए, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन ए का वैल्यू कितना था, ए इक्वल टू था, यहाँ पे देखिएगा आप एम डी माइनस टू एन डी, यही था ना ए का वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करिए ए के जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एम डी माइनस टू एन डी,
और पहले से क्या था 3md, तो यहाँ पे हो गया 3md इक्वल टू 2 इंटू, और यहाँ भी अंदर में ए का वैल्यू पुट करिए, तो md माइनस 2nd, और पहले से जो था उसको भी लिखना होगा, तो यहाँ पे md और प्लस nd यही चीज़ होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ, ए की जगह सिर्फ हम वैल्यू पुट किए हैं, तो ए का वैल्यू था md माइनस 2nd, तो ए की जगह हो गया md माइनस 2nd, अब पहले से 3md था, तो इसको तो लिखना ही होगा, और यहाँ भी वही काम किए हैं, ए की जगह वैल्यू पुट किया, पहले से जो था उसको लिख दिए हैं। इसके बाद md और md वाला को एक साथ कैलकुलेट करिए, तो 3md और md कितना हो जाएगा, 4md माइनस 2nd, और इधर भी कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा md और md दोनों को ऐड करें तो कितना 2md, और माइनस यहाँ एनडी वाला को एनडी और एनडी, तो माइनस 2nd और प्लस एनडी घट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा माइनस एनडी। आ रहा बात समझ में, अब दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो इधर था 4md माइनस 2nd, और यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4md माइनस 2nd। देखिए तो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो यहाँ पे आप लिखिएगा LHS इक्वल RHS, इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे हो रहा है इफ एन AP कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स विथ फर्स्ट टर्म A एंड nth टर्म L, करा कि एक AP है जिसमें कुल कितना टर्म है, n टर्म्स है, और उस AP का फर्स्ट टर्म A है और उस AP का nth मतलब लास्ट टर्म है जो कि L है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है, तो फर्स्ट टर्म A होगा, तो फिर अगला A2 A3 इस तरीके से बढ़ते जाएगा, और लास्ट टर्म nth टर्म का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, और इसका जो लास्ट टर्म है वो है L, और यहाँ पे ये भी बोला है कि इस AP में कुल कितना टर्म है n टर्म, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा n हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला सो डैट द सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस l, तो यहाँ पे बोला कि इस AP के mth टर्म जो कि शुरू से और mth टर्म फ्रॉम द लास्ट दोनों का जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए a प्लस l। जैसे आपको बोल देगा ना कि जैसे मान लीजिए एक AP है, जैसे देखिए आपको एक आसान एग्जांपल लेके समझाते हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से बोल देगा कि इसको शुरू से तीन टर्म का सम और लास्ट से तीन टर्म का सम, दोनों टर्म का सम कुछ है इस तरीके से बोल सकता है। तो यहाँ पे भी वही बोला कि एक AP है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है n है, और इसमें बोला कि शुरू से m टर्म का सम, ठीक है, और लास्ट से फिर m टर्म का सम, और दोनों का जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए a प्लस l। जैसे देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे लिखिए जो आपको शो करना था, सो डेट, तो यहाँ पे हो जाएगा mth टर्म फ्रॉम बिगनिंग प्लस mth टर्म फ्रॉम एंड, और दोनों का जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए a प्लस l। जैसे यहाँ पे जो AP लिए थे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से था, तो यहाँ से बोलेगा कि थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग और थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्या हो जाएगा यही वाला होगा ना, तीसरा टर्म शुरू से तो ये वाला हो जाएगा, फिर बोलेगा थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा ये वाला, जैसे इधर से देखिए पहला दूसरा तीसरा ये वाला हो जाएगा, अब बोलेगा कि दोनों का जो सम होना चाहिए वो कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पहले ये पता रहना चाहिए ना कि तीसरा टर्म है तो शुरू से कौन होगा और तीसरा टर्म है तो एंड से कौन होगा। तो यहाँ तो AP है तो इसमें आप देख के बता दिए, यहाँ पे तो बीच में कुछ लिखा नहीं है, और यहाँ पे बोला है mth टर्म फ्रॉम बिगनिंग शुरू से mवा टर्म, तो ये जो mth टर्म है इसका तो वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद mth टर्म फ्रॉम एंड यानी लास्ट से mth टर्म, तो इसका वैल्यू भी तो आप निकाल लीजिए, और फिर दोनों का वैल्यू निकलेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे जो कि कितना आना चाहिए a प्लस l आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए AP दे रखा था, a था a2 a3 और इसका जो लास्ट टर्म था वो था l, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं mth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले आप ए डी का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू तो ए ही रहेगा, ए इक्वल टू तो ए ही रहेगा, इसके बाद डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होता है ना ए टू माइनस ए वन। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ए टू को क्या लिखते हैं ए प्लस डी, यही लिखते हैं ना, और ए वन तो ए रहेगा, तो यहाँ से ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा डी। अरे बात समझ में, कॉमन डिफरेंस कैसे आया,
कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू को आप लिखते हैं ए प्लस डी और ए वन तो ए रहेगा, तो ए से ए कटेगा तो यहाँ पे बचेगा डी, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा डी। अब यहाँ पे निकाल लीजिए तो एमथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो यहाँ से बताइए एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा एम हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज आ रहा आपको समझ में कि नहीं आ रहा, जैसे बोलेगा थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग, जैसे यहाँ पे बोलता कि थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग, जैसे देखिए अगर बोलता थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग का मतलब क्या होता है कि आप शुरू से तीसरा टर्म निकाल रहे हैं। थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग का मतलब तो यही हुआ ना कि आप शुरू से तीसरा टर्म निकाल रहे हैं, यानी एन का वैल्यू थ्री हो जाएगा। तो उसी प्रकार बोला कि एमथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे एम हो जाएगा, इसी को आपको समझना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस, जैसे फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना फार्मूला होता है, तो यहाँ पे पुट करिए तो हो जाएगा ए प्लस एन का जगह कितना एम हो जाएगा, तो एम माइनस वन और डी के जगह भी डी ही रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो आपका डी ही आया है, तो यहाँ पे भी डी रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन इस तरीके से। तो ये हो गया एमथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी शुरू से जो एमवा टर्म होगा उसका वैल्यू आ गया इतना। अब आपको निकालना है एमथ टर्म फ्रॉम एंड, तो यहाँ पे देखिए एमथ टर्म फ्रॉम एंड, तो आप यहाँ पे क्या करिए ना कि जैसे जो एपी दे रखा था उस एपी को उलट के लिख लीजिए, काहे कि हमको पीछे से निकालना है, तो इस एपी को उलट के लिखिए। तो यहाँ पे लास्ट में था एल, तो ये आ जाएगा शुरू में, और इस तरीके से फर्स्ट वाला चल जाएगा लास्ट में ए थ्री ए टू और ए वन, इस तरीके से ये हो जाएगा। जब भी बोलेगा ना कि इंड से निकालना है तो आप एपी को उलट के लिख दीजिएगा, ये चीज़ आपको हमेशा करना है। जब भी बोलेगा पीछे से तो आप एपी को उलट के लिख दीजिएगा। अब यहाँ से बताइए ए का वैल्यू कितना एल हो जाएगा और डी का वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे तो कोई टर्म ही नहीं है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, डी का जो वैल्यू होता है आप कहीं से भी तो निकाल सकते हैं ना, कोई भी दो टर्म को आप घटा सकते हैं, जैसे दो चार छः आठ दस इस तरीके का एपी है, तो ज़रूरी है कि डी का वैल्यू हम फोर माइनस टू ही करें। हाँ जैसे यहाँ पे अगर डी का वैल्यू निकालेगा तो फोर माइनस टू करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं ना, आप कहीं से भी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन दो लगातार टर्म लेना है, कोई भी दो लगातार टर्म ले लीजिए, यहाँ से आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ से टेन माइनस एट करिएगा तब भी डी का वैल्यू टू आएगा, अगर ये दोनों टर्म लीजिएगा तो एट माइनस सिक्स करिएगा तब भी डी का वैल्यू टू ही आएगा। तो यहाँ भी वही काम करना, हम यहाँ से निकाल लेते हैं डी का वैल्यू, कहीं से भी आप जहाँ से मन है जहाँ से निकाल लीजिए, जैसे ए टू माइनस ए थ्री यही होगा ना, अगर ये दोनों टर्म को लिए हैं तो ये इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे बताइए ए टू का वैल्यू कितना ए प्लस डी, यहाँ पे माइनस तो ब्रैकेट में रखिएगा, और ए थ्री का वैल्यू कितना ए प्लस टू डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस डी और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस ए माइनस टू डी, ए से ए कटेगा तो डी माइनस टू डी कितना माइनस डी, यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा माइनस डी, इसको आपको ध्यान रखना है। और एन का वैल्यू बताइए, तो एन का वैल्यू तो एम ही रहेगा ना क्योंकि एमथ टर्म आप निकाल रहे हैं, जैसे यदि टेंथ टर्म रहता तो एन का वैल्यू टेन हो जाता, ट्वेंटी फिफ्थ टर्म रहता तो ए का वैल्यू ट्वेंटी फाइव हो जाता, उसी प्रकार ये एमथ टर्म है तो एन का वैल्यू एम हो जाएगा, इतना तो बात आपको आना ही चाहिए समझ में। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं एमथ टर्म फ्रॉम एंड, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए की जगह एल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल प्लस और एन की जगह एम, तो ये हो जाएगा एम माइनस वन और डी की जगह माइनस डी, यहाँ पे लिखिए इंटू माइनस डी। आ रहा बात समझ में, और हमसे बोला था दोनों का सम, तो एक इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या करना होगा ऐड करना होगा तभी ना सम आएगा। यहाँ पे करिए इक्वेशन वन प्लस टू, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे एलएचएस वाले को एलएचएस के साथ ऐड करिएगा, तो इक्वेशन वन का एलएचएस में क्या था एमथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, इक्वेशन टू के एलएचएस में क्या है एमथ टर्म फ्रॉम एंड, तो ये दोनों ऐड हो गया एलएचएस वाला। अब आरएचएस में देखिए, यहाँ पे आरएचएस में इक्वेशन वन में ये वाला है, तो यहाँ पे इसको लिखिए ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे देखिएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और बीच में प्लस आएगा ये वाला प्लस, और आरएचएस वाला लिखिए तो यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस डी, कैलकुलेट करिए तो
तो ये हो जाएगा a प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम डी माइनस डी, और इस तरफ हो जाएगा l प्लस, यहाँ पे देखिएगा माइनस डी है तो माइनस डी से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो माइनस डी इंटू एम, माइनस एम डी हो जाएगा ना, एम इंटू माइनस डी कितना माइनस एम डी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम डी, और यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस डी तो ये हो जाएगा प्लस डी। इतना तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए एम डी और एम डी, एम डी एम डी कट जाएगा प्लस माइनस में, और माइनस डी प्लस डी ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा एल, और आपको लाना भी तो यही था ए प्लस एल, यानी एम्थ टर्न फ्रॉम बिगिनिंग एंड एम्थ टर्न फ्रॉम इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा ए प्लस एल। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच आर डिवाइडेड बाय 4 लीव अ 3 लीव अ रिमाइंडर 3। बोला रखा है कि 10 और 300 के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। जैसे देखिए 10 और 300 के बीच में बोला है कि कितना नंबर लाई कर रहा है जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो आपको पहला नंबर ढूंढना है जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो आप सिंपली क्या करिए 4 से इसको डिवाइड करिए 10 को, अगर आप 4 को 4 से 10 को डिवाइड करते हैं तो ये दो बार मिलेगा 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 2, जबकि हमसे बोला कि रिमाइंडर 2 नहीं 3 बचना चाहिए, अब रिमाइंडर यहाँ पे तो 2 आ रहा, तो आप क्या करिए इसमें 1 ऐड करिए, जैसे ही इसमें आप 1 ऐड करेगा तो ऑटोमेटिक 1 इसमें भी ऐड हो जाएगा। ये बात आपको आता है समझ में कि नहीं, जैसे 1 इसमें जैसे ही ऐड करेगा तो रिमाइंडर तो 1 इसमें भी ऐड करना होगा आपको, तो 10 प्लस 1 कितना 11 ना, यानी अगर आप 11 में 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर पक्का 3 ही बचेगा, यानी पहला नंबर कितना हो जाएगा 11। आ रहा बात समझ में। दूसरा नंबर कितना होगा तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए क्योंकि हमको 4 से डिवाइड करना था, तो 11 में 4 ऐड करेगा तो 15, फिर इसमें 4 ऐड करिए तो अगला नंबर आ जाएगा डेट मीन्स 19, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। कैसे पता किए आपको आ रहा है समझ में, एक बार फिर से देखिए हम 4 से 10 में सिंपली डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर आ गया 2, जबकि हमको चाहिए था रिमाइंडर 3, तो 3 कब आएगा जब इसमें आप 1 ऐड करेगा, तो जैसे ही 1 ऐड करेगा तो 1 इसमें भी ऐड करना होगा 10 में भी, तो ये हो गया 11। अब आपको लास्ट नंबर खोजना है जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो लास्ट नंबर कितना है 300, तो आप सिंपली 300 को डिवाइड करिए तो यहाँ पे लगाइए 7 बार में तो ये हो जाएगा 28, तो यहाँ पे माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0, फिर लगाइए 5 बार में तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0, पूरा पूरी कट जाएगा ना, जबकि हमसे बोला था कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। अच्छा, जब अगर आप इसमें 3 ऐड करते हैं तो रिमाइंडर तो 3 आ जाएगा, लेकिन 3 तो इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर वह कितना 303 हो जाएगा ना, जबकि हमको बोला था 300 के बीच में आपको लेना है, तो ये तो 300 से पार हो गया, तो ये तो आप ले नहीं सकते हैं। अच्छा, तो अब दिमाग लगाइए कि जैसे 300 में हम डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर 0 आया था, तो 300 में आप 4 माइनस कर लीजिए, जैसे 300 में 4 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 296, में जब आप 4 माइनस करिएगा तो आएगा 296, और ये भी 4 से क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ये भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं तो आप देखिए डिवाइड करके ये लगेगा 7 बार में 28, तो 16, फिर 4 बार में 16, देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे भी अब आप इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे भी 3 ऐड हो जाएगा इसमें भी, तो जैसे ही इसमें 3 ऐड होगा तो 296 प्लस 3 कितना 299, यानी यही नंबर होगा जिसको आप डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर होगा वो आ जाएगा 299। कैसे पता करें वो आप तरीका समझिए, और इसी तरीका से आपको भी निकालना है। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे 300 में डिवाइड दिए नहीं आया, पूरा पूरी कट गया, तो इसके पहले वाला नंबर ले लेते 299, तो उसमें डिवाइड किए तो आ जाएगा, लेकिन वो आ जाएगा सही बात है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो आप पैटर्न को सीखिए कि कैसे ये निकल रहा है, और जब ये सब चीज़ आपको समझ आने लगेगा तो मैथ बहुत ईजी लगने लगेगा, तो आप यही सब चीज़ समझने का प्रयास करिए, थोड़ा टाइम लग सकता है बट बेहतर यही होगा। अब इसके बाद यहाँ से नोट करिए ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सर का गैप है तो डी का वैल्यू 4 आएगा, और यहाँ पे ए एन ये हो जाएगा 299। हमसे तो पूछा है एन का वैल्यू कुल कितना नंबर है ये दोनों के बीच में, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का वैल्यू है 299 इक्वल टू ए का वैल्यू 11 प्लस, यहाँ पे n तो आपको निकालना है तो n की जगह n,
और डी का जगह 4, 11 को इधर लाके माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 288 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू फोर, फोर से ये कटेगा 72 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू 72, तो एन का वैल्यू बताइए, एन का वैल्यू आ जाएगा 73, यानी हमको पता चल गया कि 10 और 300 के बीच में टोटल कितना टर्म है, 73 टर्म है, जो कि 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी टोटल नंबर हो जाएगा उसका 73। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिएगा, इसका आंसर दे रखा है 46 में, तो इसको काट के कर लीजिए 35। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है फोर द ए पी माइनस 3 कॉमा माइनस 7 कॉमा माइनस 11 डॉलर डॉट कैन बी फाइंड ए 30 माइनस 820 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग ए 30 एंड 820। करा यहाँ पे कि ए 30 माइनस 820 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिना इसको अलग अलग निकाले, ये नहीं कि आप इसका वैल्यू निकाल लिए और इसका वैल्यू निकाल लिए दोनों का यहाँ पे पुट कर दें, उस तरीके से नहीं करना है, और उस तरीके से किए बिना इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम। और आई गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए, जैसे देखिए ए पी दे रखा माइनस 3 माइनस 7 माइनस 11 इस तरीके से है, तो यहाँ से सबसे पहले बताइए ए का वैल्यू कितना माइनस 3 और d इक्वल टू होता है ए टू माइनस ए वन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 माइनस माइनस 3 इस तरीके से ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 प्लस 3 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, तो d का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4। हमसे बोला था ए 30 माइनस ए 20, तो यहाँ पे देखिएगा ए 30 माइनस ए 20, तो अब बताइए ए 30 को आप क्या लिखेगा, ए 30 को लिखेगा ए प्लस 29 डी, ऐसे है ना, माइनस, और ए 20 को क्या लिखेगा, तो इसको लिखेगा ए प्लस 19 डी, एक कम करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे हटाइए ब्रैकेट को, तो ए प्लस 29 डी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए माइनस 19 डी, तो यहाँ पे देखिएगा ए से ए कट जाएगा, तो 29 डी माइनस 19 डी, इसके बाद यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा 10 डी ना, 10 डी आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो 10 इंटू और डी का वैल्यू देखिएगा माइनस 4 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40, यानी इसका आंसर आ जाएगा माइनस 40। तो हम बोल सकते हैं यस वी कैन फाइंड इट विदाउट, मतलब इसका वैल्यू बिना निकाले हुए, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे बोला है टू ए पीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो ए पी है और दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है, तो सेम है, मतलब इक्वल है, और यहाँ पे दो ए पी है, तो पहले यहाँ पे लेट करिए आप, लेट पहला जो ए पी है इसको हम मान लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 इस तरीके से ये बढ़ेगा, एंड जो सेकेंड ए पी है उसको आप बी के टर्म में मानिए, तो बी वन बी टू बी थ्री इस तरीके से ये बढ़ेगा, और इसके बाद बोला था कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी मान लीजिए अगर इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी ही रहेगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा डी। इसके बाद पढ़िए, कह रखा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी इज टू, एक ए पी का फर्स्ट टर्म दो है एंड डेट ऑफ द अदर इज 7, और दूसरे ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, इसके फर्स्ट टर्म ए है ना, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2, ए या ए 1 दोनों सेम चीज़ है, और सेकेंड ए पी के फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी 1 या बी इक्वल टू 7। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में, इसको फर्स्ट टर्म को बी 1 भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, और दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। इसके बाद देखिएगा बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म, यानी वो दोनों ए पी के 10th टर्म का डिफरेंस इक्वल है 21st टर्म के डिफरेंस का, डेट मीन्स कहने का मतलब ये दोनों ए पी के 10th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इसका 10th टर्म का डिफरेंस होगा ए 10 माइनस बी 10, यही होगा ना, अरे इसका 10 टर्म ए 10 और इसका 10th टर्म बी 10 और दोनों का डिफरेंस ए 10 माइनस बी 10, आप चाहिए तो बी 10 माइनस ए 10 भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है 21st टर्म के डिफरेंस का, यानी ए 21 माइनस बी 21, यही दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि दोनों ए पी के 10th टर्म का डिफरेंस और 21st टर्म का डिफरेंस, दोनों जो डिफरेंस है वो आपस में क्या है इक्वल है इस तरीके से। तो बोला कि विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, तो कह रहा है कि किस दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जैसे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 10 लिए तो इधर भी 10 ही लेना होगा, अरे बस समझ में, इधर 21 लिए तो इधर भी
तो मतलब एक एपी का टर्म लिए 21, तो दूसरा एपी का भी 21 ही लेना है। अगर एक एपी का एक टर्म लिए 10, तो दूसरा एपी का भी 10 ही लेना है। इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो डिफरेंस दे रखा है वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, ए 10 को आप क्या लिखते हैं, ए प्लस 9D, और माइनस, तो माइनस यहाँ पर ब्रैकेट रखिएगा। बी 10 को आप क्या लिखेगा, तो इसको लिखिएगा बी प्लस 9D। देखिए कॉमन डिफरेंस तो दोनों का डी है, तो दोनों की जगह डी ही रहेगा, लेकिन एक का फर्स्ट टर्म ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और एक का फर्स्ट टर्म बी है तो एक की जगह बी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ए 21 को आप लिखेगा ए प्लस 20D माइनस, और बी 21 को क्या लिखेगा, इसको आप लिखेगा बी प्लस 20D, ऐसे ही ना। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 9D, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस बी और माइनस 9D, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 20D, और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस बी और माइनस 20D, इस तरीके से। अब देखिए 90 पॉजिटिव 90 नेगेटिव, ये दोनों तो कटेगा, और 20D पॉजिटिव इधर नेगेटिव ये भी कटेगा, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी, इधर आ गया a माइनस बी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 7, इधर भी हो जाएगा 2 माइनस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे भी माइनस थी। देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, और क्वेश्चन में बोला भी था कि उसके 10th टर्म का डिफरेंस और 21st टर्म का डिफरेंस दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पे दोनों डिफरेंस -3 है जो कि आपस में इक्वल है। तो हमसे बोला कि इस एपी का कौन सा टर्म होगा, मतलब किस कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस लीजिएगा ना तो वो सेम ही होगा। जैसे कहने का मतलब, अगर हम 5th टर्म लिए तो ए 5 माइनस बी 5 ये इक्वल होगा, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे ए 16 माइनस बी 16 के, ये भी होगा सही। या फिर अगर कोई ले लेता है ए 17 माइनस बी 17, तो ये जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, कुछ भी आप ले लीजिए ना, ए 9 माइनस बी 9 या 8 या 10 कुछ भी ले सकते हैं, इस तरीके से ये हमेशा इक्वल ही आएगा। आपको आ रहा बात समझ में, क्या कहना चाह रहे हैं, इसके कोई किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के डिफरेंस का इक्वल होगा। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ही लेना है, यानी पहला एपी का अगर 5वां टर्म ले तो दूसरा का भी 5वां ही लेना, ये नहीं कि इधर 4 ले लीजिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के डिफरेंस के इक्वल ही होगा। अगर आप इसको भी निकालेगा तो इस तरीके से आप निकाल के देखिए, इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, हेयर वी कैन से दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, यानी कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा किसी भी दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के डिफरेंस का। तो इस तरीके से आपको कर लेना है।